नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। सीएम मोहन ने दी विजयादशमी की बधाई। आज दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने विजयादशमी पर शस्त्र पूजन किया। पूजन के बाद सीएम ने कहा कि अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक बधाइयां। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से यही कामना है कि यह त्यौहार हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। यह व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है और अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। देखिए, पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई। युगों युगों से दशहरे का पर्व हम सबको हमारी सनातन संस्कृति से जोड़ता है और सच में आज शस्त्र पूजन करके दशहरा पूरा देश का सनातन धर्मी पूरा समाज मनाता है। कई कई कारणों से आज का महत्व है। आज खास करके हमारी स्वर्गीय राजमाता विजय राजा सिंधिया जी का भी जन्मोत्सव है। मैं उनको भी नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ। जनसंघ के ज़माने से लेकर के आज तक राजमाता जी पूरे भाजपा के लिए एक विशेष स्थान रखती है। मात्र स्वरूप उनका स्वभाव, कोई पद की लालसा नहीं और अपने तन मन धन से पार्टी को खड़ा करने के लिए जो उनने अपना योगदान दिया है वो सदैव भाजपा और भाजपा वालों के मन में विशेष आदर का स्थान रखता है। ऐसी पुण्य श्लोक अहिल्या माता को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिनकी 300वीं जयंती चल रही है। आज इसी अवसर पर हमने पूरे प्रदेश में दशहरा उत्सव उनके नाम पर मनाने का निर्णय किया है, जिनके शासन के सभी सूत्र जनता की सेवा के साथ साथ सशस्त्र बल में भी उनकी अपनी सीमा उल्लंघन के मसले का उनका उदाहरण है कि उनके राज्य पर कभी आक्रमण नहीं हुआ और सदैव उनने अपने राज्य के साथ साथ पूरे अखंड भारत की कल्पना करते हुए सभी प्रकार के सुशासन के सूत्र हाथ में लेकर के शासन चलाया। ऐसे पुण्य अहिल्या माता के लिए भी आज हमने दशहरा उनको समर्पित किया है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई, बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश किस जिले में होती है रावण और कुंभकर्ण की पूजा? दशहरे पर देश भर में रावण का पुतला दहन किया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रावण और कुंभकर्ण की पूजा कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। यहाँ भाटखेड़ी गांव में लगभग 150 साल पुरानी रावण और कुंभकर्ण की मूर्तियां मौजूद है। यहाँ के लोग इन्हें इष्ट देव मानते हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से गांव पर कभी भी विपत्ति नहीं आती है और हमेशा गांव में खुशहाली बनी रहती है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया नारी शक्ति वंदन अभिनंदन का आयोजन। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल एक दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा नरसिंहपुर पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने नवरात्रि के अंतिम दिन नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने और उन्हें सम्मान देने की बात करते हुए कहा कि यह नरसिंहपुर जिले का सौभाग्य है कि जिले की SP और कलेक्टर दोनों उच्च अधिकारी महिलाएं हैं। मातृ शक्ति की आराधना की यह परंपरा सनातन से चली जा रही है। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज भी प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी है। IMD के अनुसार 2 सिस्टम के सक्रिय होने से बारिश का दौर शुरू है। अगले 3 दिन के लिए प्रदेश में गरज चमक और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद मानसून विदाई लेगा। पिछले 2 साल से नवरात्रि और दशहरे पर बारिश हो रही है। इस बार भी मौजूदा सिस्टम की वजह से कई जिलों में बारिश होने की पूर्ण संभावना है। आज शहर के 7 घाटों पर होगा मूर्ति विसर्जन। भोपाल में दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन आज शनिवार से शुरू होगा, जो कि 3 दिन तक चलेगा। खटलापुर, प्रेमपुरा समेत सभी 6 घाटों पर क्रेन की व्यवस्था की गई है। इनकी मदद से बड़ी मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा। शहर के 7 अलग अलग घाटों पर प्रतिमा विसर्जन 3 दिन तक चलता रहेगा। छोटी मूर्तियों कुंड में विसर्जन किया जा रहा है। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।